हेलो दगड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग पहलाग अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बिरूरथवाल उत्तराखंड की हसीन वादियों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों, कल की वीडियो आपने देखी, आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने मस्त करके देखा होगा मोस्टा मानो बाबा रई गुफा और हम कहाँ कहाँ गए थे वो सब कुछ आपने देखा होगा। तो यार भाई, कल के ब्लॉग देख के हमारा एक दोस्त है, परम मित्र भुप्पी बिष्ट जी, तो हम उसको बोलते हैं भुप्पी भाई करके बोलते हैं, तो उसका कॉल आया मुझे सुबह सुबह, भुप्पी भाई, भीरू भाई, तू मोस्ट मानो आया और हमें बताया नहीं और फोन भी नहीं किया, तो काफी नाराज थे। तो आज मैं भुप्पी भाई से मिलाता हूँ और भुप्पी भाई हमें आज एक ऐसी जगह लेने ले जाने वाले ना भाई, जो मतलब काफी खूबसूरत है, अद्भुत है, अद्वितीय है। और चंडाग में जिसे आप लोगों ने देखा होगा ना, क्या बोलते हैं, पाताल भुवनेश्वर में देखा होगा आप लोगों ने, एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पाताल लोक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो आपने कल रई गुफा देखी ना, उससे थोड़ी बड़ी, उससे 5 या 10 गुना बड़ी यहाँ पे एक पाताल लोक है। तो भुप्पी भाई आज हमें वहीं ले जाने वाले हैं। तो ठीक सामने है हमारे भुप्पी दा, तो यही है भुप्पी भाई जो यही मोस्टमाणु के रहने वाले हैं। तो भुप्पी दा, आज आप हमें कहाँ ले जाने वाले हैं, कैसी जगह है, क्या है, सब कुछ बता दो एक बार। एक्चुअली मैं ऐसा है बीरू भाई, कल के लिए तो पहले नाराज भी था, दूर भी थी, वो तो सही हुआ, लेकिन ऐसा है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था जब हम स्कूल टाइम में थे कि वो अगर अब उस टाइम टाइम नहीं मिला, कल तुम आए तो अचानक मैंने तभी कहा कि यार वीरू भाई अगर भी चला गया, लेकिन ऐसे बताया भी नहीं अगर ठीक है। तो बाय चांस ये ऐसा है कि एक गुफा टाइप की है, आज से मतलब 10-15 पहले साल मिली थी, इसको वैसे ही रखा गया है हमारे गाँव वालों ने, मतलब ज्यादा कुछ उतना वो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि जंगल का एरिया है वो किसी को बताते हैं, क्योंकि हमको पता है कि लोकल में कब क्या होता है क्या नहीं, अगर बाय चांस अगर नहीं कह सकता हूँ क्या बता बाघ वो हो सकता है हमारी, अगर हमारी किस्मत सही हुई तो बाघ ना ही होगा, ठीक मिलेगा हमें, लेकिन क्या पता हाँ, क्योंकि लोकल में जाना हमको अंदाजा है कि कहाँ से क्या है, क्या पानी निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। तो कल पप्पू आए और तुम आए थे, तुमने बताया भी नहीं, तभी मैंने कहा कि गुफा दिखानी है, क्योंकि ऐसी जगह देखने के लिए कमी मिलती है और रास्ता। तो यार भाई, जो ये रास्ता है ना जहाँ हम जाने वाले हैं, ये जस्ट चंडाग है, यहाँ पे यहाँ से 500 मीटर आगे मोस्टमाणु का मंदिर है और ठीक यहाँ से हमें जाना है नीचे की तरफ। तो हमारे साथ आए हैं आज पप्पूदा, और जैसा कि हाँ सामान पकड़ो भैया, तो पप्पूदा और हम आ रखे हैं और भुप्पी भाई हमें ले जाने वाले, तो सड़क से नीचे को हमें जाना है। तो भुप्पी भाई, इसकी और कोई कहानी, रोचक कहानियां कब मिली, कैसे मिली, किसको मिली सबसे पहले? ऐसा कहते हैं कि गुप्त गंगा कहते हैं एक तरह से, हमारे बुरे बुजुर्गों को, हमारे ताऊ जी थे, उनको वो सरपंच जब उनका कार्यकाल था, तो यहाँ से एक पाइपलाइन उन्होंने सोचा कि डालना है, अगर हमारे उस टाइम बहुत थे हमारे गांव के, खासकर हमारे बड़े भाई ललित सिंह, तो उन्होंने देखा कि कुछ गुफा का मुहाना खुल रहा है कर, तो कुछ थोड़ा खोदते एक जगह ऐसी आया जैसे उन्होंने थोड़ा मिट्टी वो करी तो पूरा खुला नजर आया। अच्छा अच्छा। तो अचानक से क्या हो गया, गांव वालों ने पूछा कि क्या है क्या नहीं, क्या देखा जाए, मसाले बनाए गई वो गई, जैसे ही देखा गया अंदर देखा कि कुंड है, अलग अलग शिलाएं में अलग अलग रूप है, प्रतिरूप टाइप में कितना, तो क्योंकि यहाँ बहुत आ चुके थे मनोवैज्ञानिक लोग भी आ गए, तब से बंद ही था। आज मैं भी 4-5 साल बाद गया हूँ यहाँ पर, मेरे को भी बहुत साल हो गए थे। अच्छा अच्छा। अब उतना अंदाजा नहीं था, लेकिन हमारी किस्मत सही थी कि हमको पता था कि ये गुफा अभी भी यहाँ है, और इस मौसम में ये है कि क्योंकि अब मानसून चालू होते हैं, फिर जोंक कड़ा अलग अलग हो जाता है, तभी मैंने वीरू भाई से कहा कि आज ही चलते हैं। तो भाई जैसा कि मैं बता दूं ना, तो भुप्पी भाई का जैसे हमने पहले बात हुई थी, तो ये रास्ता जैसे सड़क से, ये सड़क है यहाँ से लगभग 500 मीटर हमें नीचे जाना है भाई। तो ठीक है, तो जुड़े रहे चैनल के साथ, और आपको माफी चाहेंगे क्योंकि रास्ता दिखा नहीं सकते हैं पूरा, क्योंकि एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, क्योंकि अकेले में आप आ गए, आपने देखा है कि कहाँ पर है, लेकिन मेरे को मानिए अगर कोई लोकल का है या हमारे गांव के कोई लोकल के आते हैं, उनके जांच साथ वहाँ पर जाकर एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि बाघ और जानवर का खतरा होने का है। अच्छा अच्छा। अभी अगर वीडियो में देखना, अगर वो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर हो सके तो देखना, वो पानी पीने या कुछ करने आया होगा, या तो वीडियो में पता चलेगा फिर हमको, वीरू भाई भी साथ में। ठीक है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण गया, तो वहीं जाके पता चलेगा। तो सीधे चलते हैं नीचे की ओर। तो यार भाई, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां हम जाने वाले थे। तो ये है भाई, फिसल गया। तो ये है वो गुफा जहाँ हम जाने वाले हैं। तो भुप्पी भाई हमें लेके चलेंगे इस गुफा पे, है भुप्पी दा? तो बीरू भाई यहाँ पर जूते होते खोलते हैं। हाँ हाँ। और टॉर्चो मिला रहा हूँ। हाँ। लेकर चलते हैं। ठीक है। तो अब सीधे अंदर मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि अंदर वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। तो मैं सीधे आपको अंदर ही दिखाता हूँ आपको भाई। तो यहाँ पे जूते वगैरह खोलने पड़ेंगे, क्यों पप्पा? तो चलो जूते उते खोलो, लेकिन तो जूते उते खोलो, चलते हैं। तो भाई
मंदिर से हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो भुप्पी भाई टॉर्च लेके आया हुआ था, लालटेन। तो भाई कैसी अंधेरी गुफा में, आजा पप्पी, तो पप्पी भाई भी आ रहे हैं। और गुफा का स्ट्रक्चर काफी खतरनाक है भाई, चलो गुप्ता। हाँ दलदल है यार यहाँ, बाघ के तो नहीं है ना, कहाँ पे है ये? ना ना बाघ ही का है बे, बाघ इतना छोटा कहाँ होगा यार, बच्चा होगा। चलो वाक आ रहा है बोल। ना, ना ना ना, अगर इतना होता तो अभी तक तो दिख जाता, इतना गीली में तो बता रहा हूँ। अंदर से कोई आया तो है यार, बाहर आदमी आया है, ये झुकना पड़ेगा मेरे भाई। ओके बुद्धा, आओ वो पिता। हाँ आ रहा हूँ, चलते रहो भाई। यार यहाँ इतना दलदल क्या हो रखा है, पानी अंदर से आता नहीं है देखो। अच्छा एक कुंडे भी है ना। अबे गुफा तो अच्छी तगड़ी है भाई, यहाँ फिसल रहा है लेकिन। कहाँ पहुँचा रहे भाई ये? ओ भाई आजा पप्पी, आजा पप्पी। हाँ चल चल। तो पप्पी दा आगे आगे जा रहे हैं, हम पीछे पीछे। हम तो यहाँ पे हल्का सा तिरछा होके जाने। ओ भाई काफी गजब गुफा है भाई, ये देखो है। हाँ हाँ यहाँ तो काफी दलदल है यार, अब ठीक है, आजा पप्पी। तो भाई देखो कैसी गुफा में हम जा रहे हैं। ओ भाई फंस गया, आगे करना लालटेन। नहीं नहीं वो तो मैं करूंगा भाई, ये देखो गरुड़ का सर है, ये देखिए तुमको आने दे। ये देखिए ये दिखाना, बिल्कुल सारस के जैसा है, थोड़ा यहाँ पर दिखना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पे है गरुड़, तो ठीक सामने ये देखो भाई गरुड़, ये है रक्षक माने जाते होंगे। पाइप लाइन भी तो बिछी है यहाँ, पानी आता है ना यहाँ से। अच्छा गांव में। अच्छा ये देखो भाई। हाँ हाँ चलो चलो, यहाँ पे भी तो एक उड़ता हुआ चील। हाँ वो ये गिद्ध है, ये गिद्ध। हाँ ये भाई काफी खूबसूरत जगह है यार भाई, ये चीज हिडन नहीं होनी चाहिए यार भाई, सार्वजनिक उद्यान करा दो इसको। ये किस चीज का है, ये नाक, नाक तक्षनाक या उसके कहते हैं इसको। अच्छा तक्षक नाक कहते हैं। एक बार ओ भाई यहाँ चलने की भी बहुत दिक्कत है भाई, कौन चल पाएगा, ये बात भी है। तो अंदर बहुत छोटी संकरी गुफा है, ये बलदन नंदी है ना यहाँ पे, इसको पीछे से करो। ये ऊपर भी काफी आकृतियां हैं भाई, ये देख रहे हैं, देख दिख रहे होंगे आपको। तो देखो पप्पी भाई कैसे आ रहे हैं, आराम से आना पप्पी भाई। हाँ भाई बड़ी खतरनाक गुफा है, काफी सही है यार काफी। ये भाई ये तो बहुत लंबी चौड़ी है, ये देखो भाई, ये गणेश जी, ये देखो भाई, ये देखो। हाँ यार यहाँ तो साक्षात गणेश जी हैं। ओ भाई और ये माता का छत्र कहते हैं इनको, सामने चमकादार भैया भी मिल गए हैं हमको, हाय हेलो कह रहे हैं। वो देखो वो ऊपर वो देखो वो पूरे खुर खुर और वो है, ये जटाएं टाइप की ना, यहाँ पर वो पानी गिरता है यहाँ पर से, ये ऊपर से देखो ये पानी गिरता है। यहाँ पर देख सकते गणेश जी स्वयं विराजमान है। और क्या क्या भाई, ये कुंड है भाई। अच्छा ये है कुंड, ये बहुत गहरा कुंड है, माना जाता है कि कोई ऋषि थे कहते हैं। हाँ। वो कुंड यहाँ पर से निकला, ऊपर को मतलब वहाँ पे है चमगादड़ है, ठीक है। तो उसके उसके अब जाएंगे वो ऊपर साइड को, ऊपर है शिवलिंग और जट है शिव जी के। अच्छा ऊपर, अच्छा यहाँ भी जाना है, वो देखो ऊपर वो देखो। ओ भाई काफी सही है यार, आप पकड़ोगे लालटेन, ठीक है मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर ये क्या है, ये पंचकोटी देवताओं के वो है, जय हो जय हो, ठीक है। इनके रूप में एक तरह से रखा गया है, ये ढूंढा किसने हुआ यार, ये हमारे ताऊ जी थे। हाँ हाँ तो यहाँ ऐसी खुदाई ललित सिंह हरी। अच्छा अच्छा हमारे बड़े भाई थे ललित सिंह बिष्ट। हाँ। वो लोगों ने ऐसे आ जाता खोदा। हाँ। अब जैसे मुंह में जहाँ पर हमें झुके ना, जब हम कह रहे थे बाघ का बच्चा हो सकता है, वहां पर जैसे हमारा मिट्टी सब बाहर को आ गई, यहाँ देखो पूरा खुला। अच्छा हमको ऐसी आदत हो गई थी, हम बिना मसाल के ही पाइप लाइन के रस्ते आ जाते थे। अच्छा अच्छा पाइप देख देख के, पाइप देख देख कर। अच्छा पानी का स्रोत यहीं से आता है। अच्छा गांव में, गांव में जी। अच्छा तो भाई काफी खूबसूरत है यार, ये अंदर भी है क्या आगे भूपी राय, आगे और है क्या अंदर? ना ना यहाँ है, यहाँ 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 भी तो है ये। हाँ आगे को नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ तो माता को माना जाता है, लेकिन वहाँ को जाना उतना रिस्क नहीं है। अच्छा तो भाई ये छत्र है भाई, छत्र सिलाई है, उल्टा लटका हुआ देख ले, वो भी दिखा उनको। हाँ वहाँ पर वो चमगादड़, वो भाई देखो चमगादड़ ये मस्त लटका है यार ना। अब मैं बताऊंगा आपको कहाँ से आना है, देखो
तो अब कहाँ ले जाने, पाँव भी तो फिसल ले। यहाँ तो ऊपर को, ऊपर को सुखा दे, कहाँ का आशा है, यहाँ से ऐसे कराना है, फिर यहाँ पर रखना है पैर, देखिए ठीक है, हाँ हाँ, फिर यहाँ पकड़ना है, एक रॉक क्लाइंबिंग के जैसे जैसे आता है वो, ठीक ठीक ठीक, हाँ क्लाइंबिंग के लिए ना, तो देखो पकड़ लोगे, हाँ हाँ, ठीक है, चलो भूता। तो भाई एक ऐसी खूबसूरत गुफा है ना, ये अभी तक अज्ञात है सिर्फ गांव वालों के सिवा। ये ऊपर क्या है फिर यार, ये मस्त गुफा है ऊपर भी तो, ये तो गुफा नहीं है ऐसी, अब धरोहर टाइप की आकृति आ गई ना, हाँ हाँ, बोलो हमारे चढ़ चुके हैं, पप्पूदा पप्पूदा पकड़ेंगे, मैं ऊपर आऊंगा फिर, मैं पप्पूदा को मुझे कौन पकड़ेगा बे, अरे तुमको भी पकड़ेंगे, अबे यहाँ रुपए भी है इतने सारे, हाँ वो चढ़ा हुआ चढ़ते हैं, अच्छा थोड़ी है पर लालटेन की जरूरत है, जय हो भोलेनाथ, हाँ चलो चलो चलो। तो कुछ इस तरीके से भूपिदा हमें दर्शन करा रहे हैं दिव्य। तो भाई अब ऊपर चढ़ते टाइम तो मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो उसी से ऊपर चढ़ के ही वीडियो बनाऊंगा। तो पप्पू भैया काफी मशक्कत करके चढ़ रहे हैं, तो आधे रास्ते में तो मैं चढ़ गया हूँ भाई, तो आधे और ऊपर जाना है, चल बहुत सही बहुत सही। अरे मुझे उजाला कौन दिखाएगा, अकेले जाओगे क्या, मोबाइल दिखा दूंगा, चल ठीक है लगाओ टॉर्च लगाओ। तो यार भाई फाइनली मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और पप्पी दादू आगे चले गए हैं, ये देखो ये है, जब पानी का डैम आ गया ना, यहाँ क्या है वा? ये रास्ता है देखिए, ओ भाई अलग अलग उसके वो देखे खुल के देख नहीं सकते यहाँ पर वो, ठीक है, और वो देखो यहाँ से देखिए, यहाँ पे रुको, ये देखिए शिवलिंग जैसे आकार का है, अरे हाँ शिवलिंग है यार यहाँ पे, और जटाएं भी दे रखी है, ठीक है, और ऊपर को एक रास्ता ये जाता है फिर ये, लेकिन ये बंद है, ये आधी तक ही खुदाई करी थी, कौन सा वो भी तो आ रहे हैं वहाँ, कौन सा इधर भी रास्ता, नहीं इसके चमकादड़ है, अच्छा यहाँ भी रास्ता, जाने की जरूरत नहीं है भाई, एक बार देख लेते हैं थोड़ा, तो भाई यहाँ भी काफी बड़ी गुफा है विशाल, ए चमकादड़ आ गया, चमकादड़ भी है भाई यहाँ तो काफी, अंदर ये अंदर कहाँ तक जाते हैं पप्पी, गुप्पी ज्यादा मत जाओ, थोड़ा ही है बस, ज्यादा नहीं है, अच्छा अब आ जाओ, अब चलो। तो ये कुछ इस तरीके से आकृतियां बनी हुई है यहाँ, और देखो भाई काफी खूबसूरत, ये रास्ता कहाँ जाता है, कौन सा वाला है, वो छोटा है, काफी खूबसूरत आकृतियां हैं यार यहाँ, तो भाई ये है शिव जटाएं, देखो भाई सेम दूसरा पाताल लोक हमें मिल चुका है चंडाक पे, क्यों पिता, ये देखो भाई काफी खूबसूरत है यार यहाँ, यहाँ तुम्हारे पीछे चमकादड़ जी भी बैठे हैं, किधर है ये, चमकादड़ दद्दा, ओ दा उठ जाओ, रात है क्यों, जगाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ नीचे को चलते हैं, तो यहाँ भी है, बस इतनी थी, अब नीचे तो ये गुफा इतनी ही है, अब कहाँ जाना है, अब नीचे को, गुफा तो आई होगी, उसको खोला नहीं है ना, खोला नहीं है ना उसका मुंह, अच्छा कहाँ को हुआ, जो जहाँ पे तू रख के जाके आया था लास्ट में, अच्छा तो भाई हम उतने गधेरे से आए थे, आठ पाताल होने सर खुलता है कहते हैं गाँव को, हमारे जो बुजुर्ग है, लेकिन अब किसने कहा किसने सुना, कौन गया, कौन गया, तो भाई कुछ खतरनाक ही है यार, मजा आ गया, तो काफी, तो पपीता कैसा लगा रहा है भाई गुफा, काफी तगड़ा था भाई, मजा आया, तो यहाँ से आए थे हमें, तो भूपिता में दिखा रहा रास्ता, तो पकड़ो पकड़ पप्पी, मेरा हाथ में दोनों हाथ में फोन है, हाँ बाकी फोन का फ्लैश तो दिख रहा होगा, खत्म कहानी, फटाक तालाब में, तो चलो चलो आराम से चलो, लेकिन मुझे मत फसाना है, ये चमकादड़ वाला खूबसूरत लग रहा है यार, आ गया आ गया, पहले पपीता को आने दे नीचे, यहाँ पर रखना पपीता, ये लकड़ी के सारे यहाँ रखो, तो भाई इसके बाद मैं उतरता हूँ नीचे मस्त करके, उजाला तो हो रहा है पप्पी, उजाला तो सही हो रहा है, थोड़ा सा ऑक्सीजन की भी कमी है भाई, यहाँ कमी हो गई है, इसमें क्या है,
इसमें कहते हैं कि फिर आएगी पंचकोटी देवता या जो भी हमारे वो है इष्ट इष्ट है तो उनके एक निशानी के तौर पर वो कर वो है। फिर उसके बगल में देखो ये नंदी जैसा देखो यहाँ पर और ये गणेश जी है तो पूरे गणेश जी फुल बने और वहाँ वो शिवलिंग में दूसरी शिवलिंग वहाँ भी शिवलिंग है ये बहुत ही खूब नीचे जैसे गंगा मैया तो कैसा लगा भैया बहुत खूबसूरत भैया बहुत खूबसूरत अद्भुत। तो भाई ये प्रकृति का एक अनोखा अनोखी खूबसूरती है भाई वो अगर कोने में लगाओगे ना वहाँ पर सामने पर एक छत्र टाइप का देखो जहाँ पर तुम ऐसे गुफा टाइप की वहाँ अच्छा अच्छा अभी दिखता नहीं है इसका थोड़ा कम होता तो दिख जाता है। अच्छा अच्छा पानी है हाँ यार बिल्कुल यार हमारे यहीं जाती है बहुत खूबसूरत है यार मजा आ गया। ठीक है दादा चलते हैं। तो भाई अब हम चलते हैं यहाँ जानवर का खतरा भी है ना। देखो मैं एक चीज दिखाऊं यहाँ शेर के पंजे की है पानी पी के गया होगा ये देखो ये शेर के पंजे ये यहाँ देखो ये तो अभी पप्पू दाके हैं लेकिन शेर के पंजे भी थे भाई यहाँ पानी पी के जस्ट गया होगा पानी पी के मतलब ताजे थे शेर के निशान भाई। तो अब हम इस गुफा से निकलते हैं और सीधे चलते हैं भाई बाहर को तो भाई हम कैसे रास्ते से आए थे देखो ये अब देखो ये कैसे जा रहे हैं गुप्पी चल 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 कीचड़ वाला ड्रिल करते हुए चलो फौजी तो तुरंत निकल जाएगा फौजी तो भेजो रुको 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 सर में देखना बच्चों जितना झुक सकते हो ना तो बता कितना झुक ठीक है भाई यहीं पर था बस इसके बाद तो छाप है चलो 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 आओ तो ये देखो भाई हम कैसे रास्ते से आए हुए थे ये देखो ये भाई गजब अद्भुत है यार यहाँ तो प्रकृति कहते हैं ना भाई कैसी कैसी खूबसूरती प्रकृति के अंदर है कोई नहीं जानता। ठीक है तो हम बाहर पहुंचने वाले हैं ये देखो भाई कितनी मस्त आकृतियां हैं यहाँ पे भी ये चमगादड़ इतने सारे चमगादड़ है ना एक ऊपर सोया है वो दो चमगादड़ ऊपर में है वो मस्त सोए हैं बाबरे अद्भुत है यार यहाँ मजा आ गया ये कुछ ऐसी जगहों से आई हुई थे हमें ये ओ भाई साहब गजब। तो भाई कैसा लगा आपको ये चमगादड़ कितना बड़ा है ये वाह उल्टे लट गए सब। तो अब हम यहाँ से जाते हैं बाहर उधर जाना है वो देखो भाई वो देखो वो यार खाली अभी देखते रहे सामने पंजाबी। तो यार भाई गुफा से हम बाहर आ गए हैं और अंदर हमने ये देखा ना भाई शेर के पंजे के निशान थे मैंने आपको वीडियो में भी दिखा रखा है और काफी बड़े बड़े पंजे के निशान थे भाई। और यहाँ आना मतलब अकेले में ना आए मैं सख्त वार्निंग है क्यों अंदर कुछ भी हो सकता है घना जंगल है चमगादड़ इतने हैं अंदर आने के लिए मना करते हैं और यहाँ शेर वगैरह भी है। अब अचानक जानवर किस पर क्या करते हैं क्या पता कब घुस गया अंदर पानी पीने के लिए हमने कहा यार चलो वीरू भाई के संग चलते हैं। तो लोकल अगर किसी एक चीज ये सीख मिल चुकी है आज मुझे कि कहीं अगर घूमने चलो तो लोकल को साथ लेके ही चलो क्योंकि लोकल को ये रहता है ना एक्सपीरियंस से पूरा रहता है और अनुभव रहता है हर जगह पे क्या चीज होगी करके। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कहीं भी जाते हो ना एक लोकल बंदे को गाइड रख लो ताकि आपको अपने अनुभवों से वो आपको हर चीज दिखा सके छोटी सी छोटी जो भी खूबसूरती रहती है किसी भी गांव की क्यों तो वो बता सकता है दिखा सकता है और आपको घुमा सकता है। खास करके जो ऊपर चढ़े थे उसमें हर स्टेप फिक्स था नहीं बताया यहाँ से टर्न लो ऐसे हाथ चेंज करो तभी जा पाए थे वही तो। और ये रहा मुख्य द्वार गेट का यहाँ पे अगर कभी भविष्य में भाई लोगों ने इसको डेवलप कर दिया तो काफी अच्छी जगह है ये। और देखो भाई चारों तरफ देखो आप यकीन नहीं करोगे कितना घना जंगल है ये पूरे घने। और हम सड़क से लगभग आधा किलोमीटर आए होंगे नीचे तो आधा किलोमीटर नीचे आ रखे हैं। तो करते हैं भोलेनाथ की इस प्यारी सी गुफा को अलविदा पाताल लोक को अलविदा करते हैं और निकलते हैं ऊपर पांव धोने के लिए। देखो भाई कितने गंदे हो गए हमारे पांव ये जूते हाथ में लेके जाएंगे जूते हाथ में लेके जाएंगे और सीधे टैंकी पे मिलते हैं। कुछ और भी बताना है हाँ चलते चलते कुछ और ही बताएंगे भूपी भाई तो सीधे भूपी दा के साथ चलते हैं। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से तो भूपी भाई हमें एक और जानकारी देना चाहते हैं तो भूपी भाई बताइए कल मुसलमानों मंदिर गए थे वीरू भाई आप ना हाँ हाँ उसके तो तुमने पूछा तुमने भाई की यहाँ पर मान्यता है ऋषि पंचमी को ये ना हाँ तो उसके नाम के बारे में तुमको बताना चाहूंगा एक मुसलमानों बाबा के बारे में मुसलमानों बाबा के बारे में ना जो हमारे पूर्वज और वो बताते हैं हाँ
तो जब इनको स्थापित करा गया था मुस्तफा बाबा को, तो कहते हैं कि जब अंग्रेजों के जमाने में 1920 के करीबन आवाज आएगी ना पत्तों की ऐसी बता दे, रुक के बता दे। 1920 में पहले वो था स्थापना हुई थी, उससे पहले अंग्रेजी राज था तहसीलदार, और हमारा जिला का हमारा तब वो पड़ता अल्मोड़ा पड़ता था, अल्मोड़ा पड़ता था, अल्मोड़ा का तहसीलदार अल्मोड़ा पिथौरागढ़, कितनी बड़ी तहसील का उतना बड़ा तहसीलदार अल्मोड़ा पिथौरागढ़। हमारे यहाँ से ही जिनमा आता है मुस्तफा बाबा, जिनमा आता है बिस्टे खानदान के, वो बगर गाँव में रहते हैं खुगदे गाँव में, तो वो गए उन्होंने वहां कहा कि हमें मंदिर बनाने के लिए, अंग्रेजी शासन काल हिंदुओं के लिए थोड़ी ना होता था, तो अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहे थे जो भी है, तो उस वो जो गए थे हमारे कहते हैं हमारे पूर्वज जिनमा आता था मुस्तफा बाबा, वो भी गए कलयुग कहते हैं, कलयुग के जमाने में कहते हैं ना भगवान सनातन धर्म हमारा कितना बड़ा धर्म होता है। अब मैं वैसे नहीं कहना चाहता हूँ कि ये बोल बढ़ावा, लेकिन हम एक बात बताऊं ना, अंग्रेजों के टाइम में उनको हवालात के अंदर बंद कर दिया, हथकड़ी सहित जो वो होती है जेल, कहते हैं कि रात मतलब दिन के टाइम में वो हथकड़ी वैसी खुल गई अपने आप, उन्होंने उन पर क्यों कहते हैं कि कृपा हुई, कृपा हुई, अब मुस्तफा बाबा खुद आ गए उन पर, उनकी हथकड़ी खुद खुल गई और कहते हैं जेल का दरवाजा का ताला अपने आप खुल कर बाहर आ गए। उसने उस तहसीलदार से कहा तूने जैसे मेरे को अंदर वो कर रखा है तू भी ऐसे ही अंदर जाएगा, कहीं भी जाएगा गोठ में जाएगा। अब ऐसी भ्रमण करते हुए आया कहाँ से, पुनेड़ी के रास्ते, पहले यहाँ से रास्ता नहीं था, पुनेड़ी के रास्ते हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो वो आया तो ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, वो अपने पूरे कहते हैं घोड़े के संग पूरे जैसे गोड़ कहते हैं ना गोड़, वो पूरे गोड़ सही थी चला गया था कहते हैं, 12 घंटे तक पूरी रात भर वहीं काटा कर रहे थे। अच्छा। फिर जाकर उसने जब कान पकड़ा फिर मंदिर के लिए परमिशन दी, तब जाकर उसने तब ये कहा कि द मोस्ट पावरफुल गॉड। अच्छा, तभी मोस्ट मानु जो मोस्टा कहते हैं, क्योंकि मोस्टा MOST तभी मोस्ट पावरफुल गॉड कहते हैं, तो तब से मोस्टा बड़ा इनका। अच्छा, पांच पंचकोटी में आते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये इस क्षेत्र के रक्षक, क्षेत्र रक्षक भी हुए शायद ना, रक्षक हुए, लेकिन इनके संग भूमिया होते हैं, भूमिया तो अब मेरे बुजुर्ग बुजुर्ग कहते हैं भूमिया बाला लाठा पशुपतिनाथ बाबा, पांच हैं ये पंचकोटी यहाँ स्थापित है, पांच उनकी शक्ति है, जिसे मानंदा के कहते हैं, उनकी एक रूप में मानंदा को भी वो करा जाता है यहाँ, पूजा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और जब हमारे यहाँ जाग लगती है 3-5 दिवसीय वो बड़ा बहुत बड़ा वो लगता है, अभी दिखा लगेगा तो मैं याद करूंगा आपको, ठीक हो गया, यज्ञ होता है, महायज्ञ होता है, तो उसमें मुस्तफा बाबा और वो असुरेश्वर कहते हैं, असुर चूल्हा वाले बाबा, असुर चूल्हा वाले शिला रूप में अवतरित हुए थे कहते हैं, ठीक है, और मुस्तफा बाबा हुए फूल के जैसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मुस्तफा बाबा हुए बारिश की देवता और असुरेश्वर देवता को माना जाता है कि कहीं फिर कोई वज्रपात या कुछ ऐसी घटना जो नहीं हो सकेगा, तो उनको ऐसे बताया जाता है, ऐसे कहा जाता है उनको। अच्छा, शिपला केदार मुंशहरी में है, उससे भी जुड़ी कथा है, जब युद्ध हुआ कहते हैं मुस्तफा बाबा या उनका, अभी मेरे को तो उतनी जानकारी नहीं है, तो इनके पैर हो गए तभी इनको कंधे में ले जाया जाता है। अच्छा, थक गए होंगे। तो इस बार जब मेले में तुम आओगे तो इस बार वहीं से आएंगे जहाँ से उनका पूरा दिखाया जाएगा, पूरा दिखाऊंगा तुमको। तो यार भाई, जो कल की वीडियो अधूरी जानकारी रह गई थी ना, तो अभी भूपी भैया ने पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो मोस्टा बाबा की लिखो एक बार, जय हो। तो मोस्टा बाबा का नाम मोस्ट मानु, बाबा का नाम मोस्ट मानु क्यों पड़ा वो भी भूपी भाई ने बताया, ठीक है, तो अंग्रेजों ने बोला मोस्ट क्या बोला, पावरफुल गॉड, मोस्ट पावरफुल गॉड बोला, तो यहाँ के लोगों ने उसी को उच्चारण करते करते मोस्टा देवता बनवा दिया, मतलब नाम पड़ गया एक मोस्टा देवता करके, ठीक है। हाँ, तो यार भाई अब हम पांव वगैरह धोते हैं, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो ये ब्लॉग आपको पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ये गुफा वीडियो कैसी लगी पाताल की ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में। तो यार दोस्तों, बाकी अगर यहाँ आपको घूमना है ना, तो भूपी भाई से संपर्क कर लेना, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, और देखते रहे अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल।